गुड मॉर्निंग क्लास फोर्थ बेटा आज हम बात करेंगे आपकी यूनिट आवर यूनिवर्स के बारे में और आवर यूनिवर्स के आज हम जिस चैप्टर की शुरुआत करेंगे वो चैप्टर है एयर वाटर एंड वेदर एयर वाटर एंड वेदर चैप्टर में भी हम आज कवर करेंगे हमारा टॉपिक एयर और मोर अबाउट एयर फर्स्ट ऑफ ऑल जो बात आपको अच्छे से आज याद करनी है और जाननी है वो ये कि एयर इज़ ऑल अराउंड अस हमारे चारों तरफ एयर है और धरती का शायद ही कोई ऐसा हिस्सा है जहाँ पर एयर नहीं होती अब सेकेंड थिंग इज वॉट इज एयर सो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल गैसेज ऑक्सीजन नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस के मिक्सचर से बनती है हमारी एयर ओके एनदर थिंग इज वॉट इट कंटेन्स सो चिल्ड्रन इट कंटेन्स वाटर वेपर्स एंड डस्ट मेनली जो एयर के कंपोनेंट्स होते हैं उनमें होती है वाटर वेपर्स पानी की बूंदें और मिट्टी नेक्स्ट थिंग इज द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ ब्लैंकेट ऑफ एयर विच इज़ कॉल्ड द एटमोसफेयर ये बात अच्छे से समझ लो कि हमारी अर्थ के चारों ओर एक एयर का ब्लैंकेट है और उस ब्लैंकेट के अंदर ही लगभग सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं इनफैक्ट ओशियंस और वाटर बॉडीज के अंदर भी एयर ही होती है जिसकी वजह से वो मरीन एनिमल्स सर्वाइव करते हैं देन हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एयर के बारे में यस yes, एयर्स हैव also इट्स डिफरेंट टाइप्स फर्स्ट विंड which इज अ मूविंग एयर जब एयर अपनी मूविंग पोजीशन में होती है तो हम उसे कहते हैं विंड सेकेंड थिंग ब्रीज जब यही मूविंग एयर थोड़ा फ्लो के साथ बहती है और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बहती है तब हम इसे कहते हैं ब्रीज थर्ड थिंग इज गेल विच इज़ अ स्ट्रोंग विंड जब ये विंड सर्टिन प्रेशर्स और रीजनस की वजह से स्ट्रॉन्ग हो जाती है तब हम इसे कहते हैं गेल फिर फोर्थ नंबर पे है विंड स्टॉम्स या वेरी स्ट्रॉन्ग विंड आप इनको हिंदी में आंधी भी कह सकते हैं और फिर इसके बाद में आते हैं थंडर स्टॉम्स वेन एयर इज अकंपनीड विद थंडर एंड लाइटनिंग इट बिकम्स अ थंडर स्टॉम मीन्स एक बड़ा तूफान जिसमें बारिश भी साथ साथ होती है नाउ बेटा अब आगे चलते हैं हम सी ब्रीज की तरफ और फिर बात करेंगे लैंड ब्रीज की तरफ बेटा आप सब जानते हो कि जब एयर गर्म होती है तो वो ऊपर उठती है और उसकी खाली हुई जगह को भरने के लिए कोल्ड एयर आसपास से उस जगह में आती है और इसी को हम ब्रीज कहते हैं अब इस ब्रीज में भी टू टाइप्स की ब्रीज होती है एक होती है सी ब्रीज और एक होती है लैंड ब्रीज सबसे पहले देखेंगे हम सी ब्रीज क्या होती है इन डे टाइम दिन के समय में सूरज की रोशनी की वजह से जो लैंड एरिया होता है और जो सॉइल होती है वो जल्दी गर्म होती है बजाय सी एरिया और वाटर बॉडी के तो फिर उसकी वजह से गर्म हवा धरती से समुद्र की ओर जानी शुरू होती है और उसकी कारण बनी हुई खाली जगह में समुद्र से ठंडी हवा आके जगह लेती है और इसी को कहते हैं सी ब्रीज इसका जस्ट उल्टा हो जाता है नाइट में लैंड ब्रीज के टाइम पर जब रात के मौसम की वजह से लैंड या सॉइल जल्दी ठंडी हो जाती है और वाटर उतनी जल्दी ठंडा नहीं हो पाता तब हॉट वाटर से बनता है लो प्रेशर और वो लो प्रेशर ऊपर जाकर वापस से हाई प्रेशर की तरफ आता है और हाई प्रेशर से बनी हुई कोल्ड विंड्स ठंडी हवा समुद्र या वाटर बॉडी की ओर जाती है और इसी को कहते हैं लैंड ब्रीज तो आज आपने सीखा फर्स्ट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ विंड सेकेंड थिंग एटमोसफियर देन सी ब्रीज एंड देन लैंड ब्रीज अब इसके आगे के टॉपिक्स को हम कवर करेंगे हमारे अगले लेक्चर में थैंक यू